बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से पिठोरिया के अंबेडकर चौक में मनाई गई और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने के लिए लोगों ने प्रण किया। साथ ही जय भीम जब जय अंबेडकर के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजमान हुआ। बाबा साहब केवल झारखंड के ही नहीं, देश के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के बाबा साहब हैं। बाबा साहब को ज्ञान के प्रतीक के रूप में चिन्हित किए गए हैं और बाबा साहब हमारे भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के रहने वाले थे। महू गांव छत्तीसगढ़ में उनका मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और बाबा साहब ने मानव के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जंतु के लिए उन्होंने काम किया है। खास करके विशेष कर कहें तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को देवदासी प्रथा में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि बाल विवाह की जाती थी, असामयिक मौत हो जाने पे उन्हें मंदिरों में सिर मुंडन करके रखी जाती थी महिलाएं। तो खास करके महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। महिलाओं को आज वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अवसर प्रदान किए हैं बाबा साहब। इसलिए बाबा साहब के हम संपूर्ण देश के लोग ही नहीं पूरे विश्व के लोग। बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश की आज़ादी के बाद में जो संविधान की रचना की, संविधान में प्रत्येक वर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए उन्होंने स्थान दिया, सबके संरक्षण की उन्होंने बात कही। आज का जो एससी एसटी और ओबीसी समाज है उसको स्थिति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जीविकोपार्जन के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि बाबा साहब का उद्देश्य था कि जनता जो है, भारतवर्ष की पूरी जनता शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। हमारे सामने संघर्ष करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीबी सर्वप्रथम है, हम सारे लोगों को मिलकर के कहना चाहता हूँ इस चैनल का, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वासियों से कि जिसका खाए हो गुण गाओ और रास्ते पे उसी का चलो जो सच्चा बता।